मंडी जिला में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा और जोरदार झटका लगा है। अनिश शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद अब जिला और सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमवार को मंडी में कांग्रेस पार्टी में मौजूद अनिश शर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने आपात बैठक बुलाई और इसमें अपनी सहमति से कांग्रेस को छोड़कर अनिश शर्मा के साथ भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। सोमवार को मंडी में कांग्रेस पार्टी में मौजूद अनिश शर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें जिला के कुछ पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से ही भाजपा में शामिल हो गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल ने भी अपना त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने बताया कि जिला और सदर के करीब 300 पदाधिकारियों ने अनिश शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और इसके अलावा दर्जनों पंचायतों के प्रतिनिधि भी अनिश शर्मा के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। सदर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष व उनके सदस्य, सभी सक्रिय कार्यकर्ता और डीसीसी में हमारे जो सदर कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं और जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, माननीय अनिश शर्मा जी के साथ हम सब ने जाने का जो अपना फैसला किया है और आज हम सभी अपने पदों से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में माननीय अनिश शर्मा जी के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। धर्मपाल ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पंडित सुखराम, अनिश शर्मा और आशीष शर्मा के साथ व्यवहार किया वह बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इस परिवार का सदर के विकास में अहम योगदान होने के साथ पूरे प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग छनाधार है। उन्होंने कहा कि अनिश शर्मा ने सदर के विकास पर पूरा ध्यान दिया है और जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है और आगे भी चलती रहेगी। बड़ा अटपटा सा लगा जब ये हमारी यहाँ कांग्रेस की जो बैठक विपासा सदन में रखी गई थी उसमें आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने, उन्होंने कुछ इस तरीके की टिप्पणियाँ हमारे वरिष्ठ नेता माननीय पंडित सुखराम जी के विरोध में की थी कि ये तो हमेशा आयाराम और गयाराम जी रहे हैं। तो ये जो है एक ऐसी बात उन्होंने कही है कि हमारे सदर चुनाव क्षेत्र के समस्त जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उनको एक गहरा आघात इससे लगा था और इन सब चीजों से जो, और दूसरी तरफ जो सरकार में रहते हुए माननीय अनिश शर्मा जी की जो अनदेखी हो रही थी, इन सब कारणों से हाथ होकर हम सब लोगों ने, माननीय हमारे नेताजी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आज हम सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए हम जो निर्णय हमारे नेताजी ने लिया है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनल।